देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 46,97,389 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। शुक्रवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,654 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती का जेल में आज चौथा दिन। लोअर कोर्ट से 4 दिन में 2 बार खारिज हो चुकी जमानत की अर्जी। नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे जेपी नड्डा। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही बात, आज बताएंगे 5 साल में कैसे आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को बिहार में 709 करोड़ की एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और गैस पाइपलाइन परियोजना का करेंगे उद्घाटन। पटना नगर निगम कर्मियों की हड़ताल टूटी, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने दिया आदेश, कहा कि हड़ताल कानूनी या गैर कानूनी यह हम बाद में देखेंगे, पहले पटना शहर को साफ कीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के लिए जेई मेन 2 का परिणाम शुक्रवार को देर रात जारी कर दिया। पटना के शुभ सर्वाधिक 99.99% के साथ बने बिहार टॉपर। बिहार प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर में शुक्रवार को रत्नागिरी पर्वत मार्ग पर एक पर्यटक की लूट के बाद हत्या। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सोनकी में राजद विधायक ललित यादव ने सड़क का शिलान्यास किया। बिहार के पूर्णिया में कांग्रेस ने किया जल जमाव के खिलाफ धरना प्रदर्शन।